उस राजा के साथ तो मेरी शादी होनी चाहिए। उधर दमयंती जाके योग हो जाती है, सती सहेलियों में गीत गाती हुई जाते दमयंती को देख करके राजा भीमचंद्र ने विचार किया कि मेरी बेटी दमयंती ब्याह के योग हो गई है। धनास्तवा दरबार को छोड़ा और राजा शाम की टेम भोजन पाने के लिए महल में गया तो रानी के हाथ जोड़ करके राजा से कहने लगी, महाराज अब तेरी बेटी दमयंती ब्याह के योग हो गई है और श्यामी बेटी पाप का कर्ज होता है सिर का, इसलिए श्यामी बेटी घर बाप के दूसरा हो जाती है तो सात पीढ़ी पर दोष लागू हो जाता है। हे पति परमेश्वर, कोई भी राजा, कोई भी देवता, कोई भी महापुरुष देख करके अपनी बेटी दमयंती की शादी करनी चाहिए। ये सुनकर के राजा भीमसेन उदय होता है, विद्वान ब्राह्मणों को दरबार में बुलाता है, पूछता है कि मेरी बेटी दमयंती के लिए कोई ऐसा वर हो जो सदा सदा के लिए मेरी बेटी को सुख मिले। तब विद्वान ब्राह्मणों ने पत्रा खोल करके देखा और पत्रा के अनुसार बताया कि राजा तेरी बेटी दमयंती का स्वयं रचाया है जिसमें देश विदेश के राजा आएंगे, उस नंदा पर जगह आकर के बैठेंगे, अरबा जो सोमो लागे को राजो लागे को जिन्हें माला पहरा देगी जिनकी सदा सभा के लिए पटरानी बन जाएंगे। इसमें राजा तू भी दोषी नहीं है तो हम भी दोषी नहीं है, ये फैसला दमयंती के हाथ में छोड़ दिया। राजा भीमे की ये बात दिमाग में जग जाती है और अपनी बेटी दमयंती का स्वयंवर रचता है। देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण भेजा जाता है, पंडित पत्रा वो पत्र क्या लेकर के जा रहे थे, एक दादो महल गुरु करने के बाद दमयंती महल के ऊपर दादा आ राजकुमारी, दादा कहे जाए सब बेटी तेरे स्वयंवर की पत्र क्या लेकर के मैं देश देश के राजाओं को पता करने के लिए, दादा तेरी बेटी दमयंती की तेरे से प्रार्थना है कि वो देशा में चाहे तू जावा चाहे ना जावा लेकिन चुमन पड़ा इंद्राज जरूर जाकर निमंत्रण ले। सब देश को जरूर जाना, ठीक है बेटी तेरे कहने से मैं सब देश में अवश्य जाऊंगा। उधर ब्रह्मपुत्र नारद ये धरती लोक का समाचार लेकर के देव लोक में जैसे पहुंचा, देवता ने स्वागत किया सम्मान किया, आओ नारद जी इस समय कहां से आ रहे हो, बोलो देवराज इंद्र आप तेरे लिए बड़ा शुभ समाचार लेकर के आया। वो कैसा कि धरती लोक पर राजा भीम बहुत बड़े सत्वादी जिन्होंने दमन ऋषि के वरदान से चार संतान प्राप्त की है जिसमें दम दमन दम घोष और लड़की का नाम है दमयंती। ये इंद्र भी धरती लोक पर देव लोक में सब जगह भ्रमण करता हूं सब जगह घूमता हूं लेकिन सुंदर जैसी दमयंती है ऐसी सुंदर स्त्री और ऐसी सुंदर राजकुमारी मैंने किसी राजा के और कहीं नहीं देखी है। ये काम कराना इंद्र को भी जाना जे दमयंती ने ब्याह लिया तो वाचा स्वरूप की सोचा कर जाए। ये सुनकर के इंद्र के भी मन में ये भावना होती है कि मैं अवश्य जाऊंगा और दमयंती को ब्याह करके लाऊंगा। यम यंदर वर्णों ये चारों देवता आकाश मार्ग द्वारा अपने विमान में बैठ करके जा रहे थे और उधर निसब देश वीर सैन के पुत्र राजा नल भी घोड़ा का सवार होकर के कुंडनपुर की तरफ जा रहे थे। अचानक चारों देवताओं की नजर राजा नल के ऊपर पड़ी, जहां यम इंदर से कहता इंदर भाई क्या बात है, अरे बोलो यार उन्होंने देख घोड़ा मार के आ रही है, ये कोई राजा है ये कोई देवता है, ये साक्षात प्रभु ने अवतार ले लिया है, देख कितना सुंदर जवान है, अगर जे या दमयंती का स्वयं ब्रह्म चलोगे तो तू देवता को देव को ही पहले से संपर्क करना चाहिए
कदे यापी छत्र प्रवेश जातो हो आप हमें छत्र प्रवेश चाहता हूँ तुरंत अपने भगवान को चरण देवता रास्ता उतार लेते हैं। राजा नाम देवता जैसा मुकुट देख करके प्रणाम करता है, बिना पूछा ही बतावा लगा मैं इंद्र हूं, ये यम है, ये वरुण है, ये अग्नि है, ये देवता हो इस ब्रह्म में आपकी क्या सेवा करूं। सबसे पहले इंद्र कहता है कि नल तू सेवा करना चाहता है कि हमारा उसी देवराज इंद्र एक राजा नल को मजबूर करता है भक्तों तो कैसे कर रहा था, किस प्रकार से राजा नल चरण देवताओं की बात सुन रहा था। Oh,
मजबूत बनना होगा, कुंडन पर मैं आपको साथ चलना होगा। और राजा भीमद ने दमयंती का सरोवर रचा है, इसलिए दमयंती को जाकर के कहना होगा देवताओं का राजा इंद्र तेरे स्वयंवर में आया है, जनता ही मेरे ही माला डाल तेरी मेरी ही पटरानी। राजा नल को तला को सास पर ऊपर को ऊपर रह गो कि मैं भी जा रहा तो दमयंती का स्वयंवर में तो दमयंती को गाने के लिए, लेकिन देवताओं को वचन दे दिया अब मना करूंगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। महाराज अवश्य आपका दूध बनूंगा, दूध का काम भी करूंगा। कहिए दूध बनकर के मुझे क्या करना पड़ेगा? इस समय रात की जाकर के दमयंती को कहना होगा देवराज इंद्र तेरे स्वयंवर में आया है और मेरी निशानी भी बता दिए, समझेगी मेरी निशानी भी बता दिए, बीज ऐसा मुंडा को सरकंदी शिकायत को सर कालो सुकुट को पहले मैं तो बड़ा बड़ा सोना है आज के दौर की कमावेगा। ये सुनकर के राजा नल ने देवताओं से प्रार्थना की कि महाराज अवश्य आपका दूत बन करके मैं आपकी सेवा करूंगा। समय रात की महाभारत में दोनों ही मिलते हैं, एक में दिन का भी देखा है, लेकिन समय रात की राजा भीमद के वहां सब अपने अपने तंबू में देश देश के राजा ठहरे हुए थे। तब देवराज इंद्र समय रात की नल को बुलाता है, जाइए एंटेल में कोई को न जाकर सब सूता पड़ा से जाकर दमयंती को समाचार दे दीजिए। तब दूत ने कहा महाराज समय रात की जनाना महल और चौथा का चौकीदार खड़े हैं, अगर मैं दमयंती का महल में जाऊंगा तो बिना ही मौत माया। महाराज मोहन कौन कृपा देखो मोटिया में वीर बनी के धरा उसी ठे में देवराज इंद्र वरदान देता है कि जाओ ना तुझे मेरा वरदान है कि जब दमयंती के महल में जाओगे तो जाते समय आपको कोई भी नहीं देगा। पीछा से इंद्र के मन में कल्पना होगी कि दूत मणिकरा ने नल गया लेकिन मरो जातो कदे अपनी पटड़ी बैठा ले तू देवता को देव को ही। दूत ने शक्ति द्वारा दो कण पैदा किए कि तुम जाओ और जाकर के राजा नल की प्रशंसा लो कि वह उन्हें जाकर मैं आपकी पटड़ी बैठाओ से मेरी बड़ाई करे। आगे आगे नल चल रहा था दूत के भेष बना करके और पीछे पीछे दूत के वो गण चल रहे थे जो ऐदर किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। चलते चलते राजा नल दूत के भेष में जब दमयंती के महल में जाता है पैर की आवाज सुनकर दमयंती एकदम से चौंकती कि आप कौन हो, इस समय मेरे महल में कैसे आए हो, ये जनाना महल है आप पुरुष हो, किसके आदेश से तुम दमयंती के महल में आए हो। ये सुनते ही नल दूत के भेष में हाथ जोड़ करके दमयंती से कहा कि राजकुमारी ये तुम्हारा जनाना महल में पुरुष हो लेकिन आदेश नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मुझे देवताओं का वरदान है। दूसरी बात यह है कि मैं तेरे लिए बड़ा शुभ समाचार लाया हूं, कहिए कि मैं देवराज इंद्र का दूत हूं। देवराज इंद्र आपने सुना है दमयंती वो देवराज इंद्र है जो संसार में सब का पालन पोषण करता है। देवराज इंद्र आदेश देता है भंडारो पलारी से पलारी, पलारी से